जो दिखता है वो बिकता है, हमने इसे बहुत बार सुना है मार्केटिंग की क्लासेस में, बिजनेस मैनेजमेंट की क्लासेस में, लेकिन ये आधा सच है। जो क्लियर दिखता है, जो अलग दिखता है, जो डिफरेंट दिखता है वो बिकता है। आप रोज टीवी एडवर्टीजमेंट देखते हैं, मैक्सिमम लोगों ने इस पे शायद ध्यान नहीं दिया है कि आखिर ये जो मार्केटिंग है किसी प्रोडक्ट की, वो की कैसे जाती है। रोज हमारी आंखों के सामने हो रहा है, अमिताभ बच्चन इज सेलिंग अ सर्फ और ए वॉशिंग पाउडर। शायद अमिताभ बच्चन ने कभी वॉशिंग पाउडर को हाथ भी नहीं लगाया होगा, लेकिन वो घड़ी डिटर्जेंट टिकिया बिक रही है। ये कॉन्ट्रास्ट है, ये अलग है, तो वो प्रोडक्ट बिक रहा है। आपने शिल्पा शक्ति को नमक बेचते देखा होगा, आपने दीपिका पादुकोणे को मोबाइल बेचते देखा होगा, ये अक्षय अजय देवगन को गुटखा बेचते देखा होगा। क्या अजय देवगन गुटखा खाता है? दैट इज डिफरेंट एंगल, दैट इज कॉन्ट्रास्ट एंगल। तो जो दिखेगा वो नहीं बिकेगा, जो अलग दिखेगा, जो डिफरेंट दिखेगा वो बिकेगा। हमारी लाइफ के साथ इसका बहुत बड़ा संबंध है। हम अपनी जिंदगी में उधर आकर्षित ज्यादा होते हैं जो थोड़ा सा अलग दिखता है, जो थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है। कैसे? हर चीज में इसका महत्व है, हर एंगल में महत्व है, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो फिल्म्स हो, चाहे वो प्रोडक्ट सेलिंग हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे जिंदगी का कोई भी स्फीयर हो, उसमें कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट का बहुत ज्यादा प्रभाव है। अब हम ले अभी रीसेंट जो घटनाक्रम हुई, भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने 370 आर्टिकल 370 को हटा दिया। इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, 70 साल में किसी की हिम्मत नहीं हटाने की, और यकाएक ओवरनाइट इट हैज बीन डिक्लेयर्ड कि नाउ 370 इज नो मोर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट हैपेंस? देयर वॉज क्विक रिएक्शन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑल। ये उल्टा था, ये कॉन्ट्रास्ट था जो साफ दिखता है। आपने कभी कभी देखा होगा भारत सरकार की एडवर्टीजमेंट में 60 साल बनाम 5 साल, मतलब जो पुरानी सरकारों ने 60 साल में किया वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने 5 साल में किया। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंटिंग एंड सोइंग और सो केसिंग द डिफरेंट एंगल, दिस इज कॉल्ड रियल मार्केटिंग। अब हम आते हैं इकोनॉमी में, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। हमारे रुपए की वैल्यू गिरती जा रही है, ये केवल रुपए के साथ नहीं है, ये डॉलर के साथ भी है, ये पाउंड के साथ भी है, यानी यूनिवर्सल इकोनॉमी, यूनिवर्सल वैल्यू ऑफ रुपीज एंड डॉलर्स आर डिवेल्यूएटेड। इसका कारण इन्फ्लेशन है, लेकिन कितने लोगों को पता है? यानी हमने रुपए को डिवेल्यूएट किया, डॉलर को डिवेल्यूएट किया। अगर हम इसके जगह पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया होता तो सारे लोग रोड पे आ गए होते, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते होते, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया। दिस इज कॉल्ड द कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट इन इकोनॉमी। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिससे आप इस बात को समझ सकते हैं कि जिंदगी में कॉन्ट्रास्ट का कितना महत्व है। जो चीज मुझे आकर्षित कर रही है वो साफ बताती है कि उसमें कुछ है कॉन्ट्रास्ट। जैसे बिग बाजार ने सेल ऑफर किया, 500 रुपए की चीज 100 रुपए में बेच दी, एक्चुअल में 100 रुपया ही उसका प्राइस था, उसको 500 रुपया उसकी एमआरपी नहीं थी। हमने सोचा अरे यार ये तो बड़ा बिग डील है, वो हमारी आंखों के सामने आया 500 रुपीज एमआरपी का ये कपड़ा, ये सामान 100 रुपए में बिका, जबकि कोई एक सामान उसके इक्विवेलेंट 100 रुपए में फिक्स कॉस्ट है, वो बराबर 100 रुपए ही चार्ज कर रहा है, वो अट्रैक्ट नहीं करता। सो दिस इज कॉल्ड द कंट्रास्ट इफेक्ट इन मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, हाउ वी गेट अट्रैक्टेड। जो हम देखते और इसमें हम इमीडिएट रिएक्शन लेते हैं,
अगर कहीं कोई दुकान में हम जाते हैं और वहां 500 रुपए की एमआरपी को काट के वहां 100 रुपए रखा हुआ है और कोई प्रोडक्ट उसी के बराबर का 100 रुपीज रखा है, तो दैट 100 रुपीज वैल्यू प्रोडक्ट इज नॉट गोइंग टू अट्रैक्ट मी, दैट प्रोडक्ट विल अट्रैक्ट मी जिसकी एमआरपी 500 रुपए कटी हुई है और उसमें लिखी है दिस इज अ बिग सेल डिस्काउंट, दिस इज कॉल्ड कंट्रास्ट इफेक्ट। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे, जिंदगी के इस कॉन्ट्रास्ट को समझिए। मैं आपसे हंसते हुए एक एडवाइस देना चाहूंगा कि आप किसी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं तो अपने साथ किसी ऐसे मित्र को और दोस्त को लेके न जाइए जो आपसे ज्यादा स्मार्ट हो। व्हाट विल हैपन, वो लड़की आपको छोड़ के उधर चली जाएगी। आप अगर किसी बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हैं तो अपने से ज्यादा सुंदर लड़की के साथ, दोस्त के साथ, मजाक में भी, हंसी में भी उस लड़के से मिलने न चली जाइए, नहीं तो वो आपको छोड़ के उधर चला जाएगा। This is the role and this is the impact of this contrast effect in life. हम हर चमकीली चीज के पास, हम हर चमकती हुई चीज के साथ, जबकि हमें मालूम है all glitters are not gold, but हम gold के बदले उस glitters की तरफ जाते हैं, चमकती हुई चीज की तरफ जाते हैं। That is a human mind. This is the tendency of mind कि हमेशा चमकती हुई चीज की तरफ ध्यान जाता है और इसका फायदा हर marketing and हर organization में use किया जाता है। आप अभी देखें फेसबुक पे जो एड्स आ रही हैं, 24,000 रुपए का प्रोडक्ट 299 रुपए में, 54,000 रुपए फ्री प्रोडक्ट 199 रुपीज। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट, जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है। आपने एक फिल्म देखी होगी संजू, उसमें संजू का दोस्त, संजय दत्त का जो दोस्त है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर में रिंग सेरेमनी के लिए बुलाता है, उसको प्रपोज करने के लिए बुलाता है और वो इतना शराब पी लेता है कि वो बेहोश हो जाता है रिंग सेरेमनी के पहले। अपनी वो पत्नी, अपनी जो गर्लफ्रेंड है, उसको देख नहीं पाता कपड़े में और उसके बाद की कहानी आपको मालूम है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रास्ट। आई रिक्वेस्ट कि हम सोने की तरफ देखें, हम ओरिजिनलिटी की तरफ देखें, हम उस सत्य को देखें जो सच्चाई छुपी हुई है, क्योंकि सच्चाई के ऊपर पर्दा नहीं होता, सत्य के को किसी चीज की जरूरत नहीं होती, किसी बाहर के सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, उसको किसी मार्केटिंग की जरूरत नहीं होती। सच्चाई खुद ही बिकती है, सच्चाई खुद ही दिखती है, लेकिन कुछ समय के लिए, कुछ घड़ी के लिए झूठ के ऊपर सच्चाई की अगर लेप लगा दी जाए, बार बार उसे दिखाया जाए, बार बार उसे बताया जाए, तो शायद वो सच हो जाता है। इसलिए मार्केटिंग इज अ कॉन्ट्रास्ट गेम। आप जरा देखेंगे ब्लैक और व्हाइट, इट इज अ कॉन्ट्रास्ट। इसलिए आप जब कपड़े पहनते हैं तो देखेंगे नीचे पैंट ब्लैक है तो हम ऊपर कपड़ा ब्लैक पहनना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि कोई और दूसरा कॉन्ट्रास्ट कलर पहने, सो दैट इट विल लुक अट्रैक्टिव। सो कॉन्ट्रास्ट का बहुत बड़ा महत्व है जिंदगी में। होप यू अंडरस्टैंड इट व्हाट आई एम टॉकिंग, और इसको जरा अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो पहनने की बात हो, चाहे वो मार्केट जाने की बात हो, चाहे वो कोई सामान खरीदने की बात हो, हम इसे जरूर अपने ध्यान में रखेंगे और इससे हम अपने आप को अवेयर रखेंगे। कमेंट करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।